नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वी क्राइम स्पेशल। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उसके गुनाहों का पर्दा एक दिन उठता जरूर है। गुनाह करने वाले ये नहीं देखते कि उन्होंने जिस रास्ते को चुना है वो रास्ता जाता किधर है, उसका अंत कहाँ होता है। और फिर जब गुनहगार इन रास्तों पर एक बार आगे बढ़ जाता है तो उसे इसका एहसास भी नहीं रहता, और जब एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। गुमला में कॉलेज के प्रिंसिपल की हत्या कर दी जाती है, उसके दफ्तर में ही, तो बेगूसराय में एक शिक्षक की हत्या कर दी जाती है। आखिर शिक्षा के मंदिर में खून का क्या काम, हिंसा का क्या काम? जहां लोगों को ज्ञान दिया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, क्या वहां अपराध की कोई जगह हो सकती है? कतई नहीं, लेकिन ऐसा होता है। यह भी हमारे समाज का वो आईना है जहाँ हम अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आईना भी हमारे समाज ने ही बनाया है। आज पूर्वैया क्राइम स्पेशल में बात इन्हीं मुद्दों पर होगी। देखते रहिए पूर्वैया क्राइम स्पेशल। सबसे पहले बात उस मंदिर में हुए गुनाह की जहां अपराध की कोई जगह नहीं होती। जी हां, शिक्षा के मंदिर में अपराध की कोई जगह नहीं हो सकती, लेकिन अपराध की जड़ें गहरी होती जा रही हैं, वो हर कहीं फैलती जा रही हैं, चाहे फिर वो शिक्षा का मंदिर ही क्यों ना हो। गुमला में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक प्रिंसिपल के दफ्तर में घुसकर प्रिंसिपल के ऊपर हमला कर दिया जाता है। तेज धारदार हथियारों से प्रिंसिपल की मौत हो जाती है, और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी कॉलेज का छात्र है। गुमला जिले का कार्तिक उराव कॉलेज, यहां रोज छात्रों की भीड़ होती है, लेकिन बुधवार के दिन इस कॉलेज में अचानक ही गहमा गहमी पड़ जाती है। पूरे कॉलेज में सनसनी फैल जाती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक कॉलेज में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, अचानक चीजें इतनी तेजी से बदल जाएंगी, लेकिन ये सच था। गुमला जिले के कार्तिक उराव कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य थे शशिभूषण, लेकिन बुधवार के दिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। कॉलेज के प्रिंसिपल शशिभूषण की उनके दफ्तर में ही हत्या कर दी जाती है। तेज धार हथियार से उन पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। अचानक हुए इस हमले में शशिभूषण संभल नहीं पाते, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पूरा कॉलेज परिसर खून के रंग से लाल हो जाता है। गंभीर तौर पर घायल शशिभूषण को आनन फानन सदर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। एक गुमला जिला के एक बड़ा कॉलेज के प्रिंसिपल की जिस तरह से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, एक तरह से कहा जाए अपराधियों का गुमला जिले पर बेखौफ इस तरह का ये कार्य है, इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो कॉलेज परिसर में पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का उधड़ंगी होते रहा है, तो मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन उस पर कम से कम एक कड़ी निगरानी रखे। लोगों की माने तो हत्यारा कार्तिक उराव कॉलेज में ही पढ़ने वाला छात्र है, वो कॉलेज परिसर में बने छात्रावास में ही रहता है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कथित हत्यारे छात्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार छात्र के पास से तेज धार हथियार भी बरामद कर लिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस आरोपी छात्र से हत्या के कारणों का पता लगा रही है। स्थिति में थे तो एक बैग टावर चौक के पास थे, तो सूचना मिला कि से ऐसे ही से हो गया है। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? एक प्रिंसिपल साहब को छुरा मार दिया है। तो इसका सत्यापन में यहाँ आए तो देख रहे हैं कि जख्मी हालत में उनको लेकर के लोग जा रहा है। लड़का का मारने वाला का खोजबीन किए तो लड़का पकड़ा गया, उसके रूम में हथियार भी रिकवर हो गया। हथियार गिरफ्तार हो गया? हाँ, हथियार। जो प्रिंसिपल है उनकी क्या स्थिति? वो तो एक्सपायर कर गए। वजह कुछ ऐसा भी? हत्या के वजह तो पूछते रहे, लड़का कह रहा है कि से सब साथी लोग कहा कि मार। अच्छा, किसी कहने पर वो घटना? हाँ, किसी के कहने पर ही किया है। हमको लगता है कि लड़का भी कुछ मानसिक रूप से। इस चौंका देने वाली वारदात की जानकारी जैसे ही शहर के लोगों को मिली, भारी भीड़ इकट्ठा हो गई।
सभी लोग सदर अस्पताल में जमा होने लगे। लोग इस हत्याकांड से बेहद ही नाराज थे। गुस्साए लोगों ने शहर के टावर चौक को जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी छात्र से हत्या के कारणों के बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। कॉलेज परिसर में हथियार के साथ घुसकर प्रिंसिपल की हत्या कर देने की वारदात पूरे शहर में सनसनी फैला दी। कॉलेज के छात्र भी हैरत में हैं कि आखिर हत्यारे छात्र ने प्रिंसिपल की हत्या क्यों की। देखना है कि पुलिस इस सवाल का जवाब कब तक खोज पाती है। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। झारखंड का लातेहार जिला उग्रवाद प्रभावित जिलों में शामिल है। यहां उग्रवादी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उन्होंने तैयारियां भी पूरी कर ली थी, लेकिन फिर पुलिस को इस बात की भनक लग जाती है। फिर क्या होता है आगे, आप खुद देखिए। पुलिस ने बड़ी घटना को नाकाम किया। उग्रवादी संगठन रच रहे थे साजिश। इस बार उग्रवादी संगठन PLFI एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस को उग्रवादियों की साजिश का पता चल जाता है। मिल रही जानकारी के मुताबिक PLFI के सब जोनल कमांडर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मकई टाड़ में घूम रहे थे। इसके बाद पुलिस ने नक्सली सब जोनल कमांडर कैलाश यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने कैलाश यादव के साथ ही मुकेश यादव को भी गिरफ्तार किया है। मुकेश यादव भी PLFI का सदस्य है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने एक देसी राइफल, देसी पिस्टल और 35 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी की तलाश पुलिस को काफी दिनों से थी। यह पुलिस के लिए पिछले कई महीनों से परेशानी का सबब बना हुआ था, लिहाजा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। PLFI उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर कैलाश यादव और उसके एक सहयोगी मुकेश यादव की गिरफ्तारी बालूमाथ थाना क्षेत्र से की गई है। इनके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है, 315 का एक राइफल बरामद हुआ है और टोटल 38 कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। और कैलाश यादव के ऊपर बालूमाथ थाना में टोटल 5 केस दर्ज हैं जिनमें ये वांटेड है। इसके अतिरिक्त लातेहार जिले के हेरंज थाना में भी केस है इसके ऊपर में। पलामू जिले के पांकी थाना में 3 कांड दर्ज हैं। रांची के मैकलुस्कीगंज थाना में केस दर्ज है और ये अधिकांश केस लेवी से संबंधित हैं और लेवी ना मिलने पर विकास से संबंधित जो मशीनरी है, JCB, मोबाइल टावर इत्यादि जलाने से लेकर के है। लगातार इनके द्वारा लेवी डिमांड की जा रही थी लातेहार, पलामू और रांची के क्षेत्रों में। उग्रवादियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि कई मामलों का खुलासा होगा। ये उग्रवादी कई वारदातों में शामिल थे। इनकी गिरफ्तारी से आसपास के इलाके में उग्रवादी गतिविधियों में कमी आने की उम्मीद है। संजीव गिरी, जी मीडिया, लातेहार। लखीसराय में वाहन चोर के गिरोह ने आतंक मचा रखा था। स्थानीय लोग चोरों के करतूत से परेशान हो गए थे। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है और फिर पुलिस को इस काम में सफलता भी हाथ लगती है। वाहन चोरों ने कर रखा है नाक में दम। लगातार हो रही चोरियों से परेशान लोग, पुलिस ने शुरू किया चोरों के खिलाफ अभियान।
लखीसराय जिले में वाहन चोरों से लोग परेशान हैं। इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से पुलिस भी परेशान थी। वाहन लुटेरों ने 13 अक्टूबर को एक बाइक की चोरी की थी। मेदनी चौक थाना के किरण गांव के रहने वाले चंद्रभूषण कुमार की बाइक लुटेरों ने चोरी कर ली थी। इस बारे में थाने में बाकायदा मामला भी दर्ज करवा दिया गया। चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस हरकत में आती है और फिर पुलिस वाहन लुटेरों के खिलाफ अभियान छेड़ देती है। पुलिस की एक टीम तैयार की जाती है जो वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसके बाद पुलिस की छापेमारी में 4 अपराधी गिरफ्त में आ जाते हैं। मिथुन कुमार, सूरज कुमार, मिथिलेश यादव और इनो यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार सभी अपराधी मुंगेर जिले के सिंघिया के रहने वाले बताए जाते हैं। तुरंत सक्रियता से थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए मुंगेर के सिंघिया गांव से रेड छापामारी की, जिसमें दो अभियुक्त पकड़ाए जिन्होंने कन्फेशन किया और उसके आधार पर लूटी गई बाइक बरामद हुई। एक अभियुक्त छोटू कुमार अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। 24 घंटे के अंदर लूट के कांड का उद्भेदन और बरामदगी ये लखीसराय पुलिस की बहुत ही अच्छी सफलता है। इसके लिए इस टीम में शामिल थाना प्रभारी और उनके अन्य GSI और सिपाहियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें सभी जितने गिरफ्तार अभियुक्त हैं सब पे कई सारे कांड हैं, यादव पे 2 केस है, सबका आपराधिक इतिहास है और क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो लूट कांड में है, आर्म्स एक्ट में है, मारपीट में, हर तरह के केसेस इन पे हैं। इन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे पूछताछ के बाद कई और मामलों का खुलासा होगा। इन अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। उम्मीद है इलाके में आने वाले दिनों में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। मनोज कुमार, जी मीडिया, लखीसराय। ये तो लखीसराय की बात हुई और अब बात बोकारो की। चोरी के बढ़ते वारदात से बोकारो के लोग भी परेशान हैं। यहाँ के चोर हाईटेक हो गए हैं, वो चोरी के लिए भी नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन पुलिस से खुद को बचाने में नाकाम रहते हैं। पुलिस ने इस लाल गिरोह के चोरों को पकड़कर लोगों को राहत की सांस दी। बोकारो के सेक्टर 12 थाना इलाके में चोरों के आतंक से लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ के चोर तकनीकी मामले में भी आगे हैं। वो चोरी करने के लिए तकनीक का भी सहारा लेते हैं। चोरों की इस टोली की खासियत ये है कि ये लाल कपड़ों का गैंग है, लाल पोशाक ही इनकी पहचान होती है, ताकि ये दूर से ही अपने साथी को पहचान लें। लोगों की परेशानी बन चुके इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस काफ़ी कोशिशें करती है और फिर पुलिस की ये कोशिश रंग भी लाती है। इस गिरोह के 2 सदस्य को बोकारो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों चोर मनोज कुमार चौधरी और शनि कुमार काफी शातिर हैं। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही ये खुलासा भी होता है कि ये लोग चोरी की नई तकनीकों का भी इस्तेमाल करते थे। चोरों को पुलिस ने बोकारो निवास के पीछे से पकड़ा है। गिरफ्तारी के वक्त ये लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस ने चोरों के पास से घर में सेंध मारने का सामान भी बरामद किया है। सेक्टर 12 में लगातार 3 चोरियां हुई थी, केस नंबर 11, केस नंबर 13 और केस नंबर 15 2015 का। इन तीनों केसेस में मनोज कुमार चौधरी की हमें तलाश थी। पुलिस की गुप्त सूचना पे हमने मनोज कुमार चौधरी को पकड़ा, साथ में उसके शनि कुमार भी था, ये दोनों चार्ज करने वाले हैं और एक बाइक के साथ इन्हें पकड़ा गया सेक्टर 6 में बोकारो निवास के पीछे। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और चाकू भी बरामद किया है। CT SP के मुताबिक हाल में हुई चोरी की घटनाओं में मनोज चौधरी की तलाश थी। मनोज के साथ उसका साथी शनि भी गिरफ्तार हुआ है। ये दोनों पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। तलाशी में उनसे काफी आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है जो गृहवेदन में खिड़की तोड़ने के काम आता है, अलमारी तोड़ने के काम आता है। इनके पास से और भी चीज़ें बरामद हुई हैं। बाकी क्योंकि पूर्व के केसेस में मनोज कुमार चौधरी की हमें तलाश थी,
तो उनसे पूछताछ के क्रम में फिर उनके निशानदेही पे लैपटॉप और मोबाइल्स वगैरह बरामद किए गए जो कि चोरी गई थी इन्हीं सेक्टर 12 के इन तीन कांडों में चोरी गई थी। पुराना साथी चोर है, पहले चास और BSCT थाने से कई बार जेल भी जा चुका है, तो अभी रोकथाम में काफ़ी मदद मिलेगा। इन चोरों की गिरफ्तारी के बाद शहर के लोगों ने राहत की सांस जरूर ली होगी, पुलिस के लिए भी ये राहत की बात जरूर है, लेकिन शहर में लगातार बढ़ते अपराध ने पुलिस की चिंता जरूर बढ़ा दी है, लिहाजा पुलिस को सचेत रहने की जरूरत है। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। और अब बात विधायक जी की। विधायक जी के काफिले में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब एक युवक पिस्टल के साथ नजर आता है। जी हाँ, ये बेहद चौंकाने वाला मामला है, लेकिन ये सच भी है। अब नौर से JDU के प्रत्याशी मंटू सिंह के काफिले का ये मामला है। विधायक के काफिले में पिस्टल के साथ युवा, लूडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ युवा। अमनौर से JDU प्रत्याशी हैं कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह। मंटू सिंह सिटिंग MLA भी हैं। मंगलवार को मंटू सिंह ने मकेर स्थित अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम के बाद वो जनसंपर्क के लिए निकले थे, लोगों की काफी भीड़ भी साथ थी। तभी अचानक भीड़ में उनके समर्थक चौंक जाते हैं। भीड़ में एक ऐसा युवक भी शामिल था जो कि संदिग्ध लग रहा था। कुछ ही देर बाद उस युवक ने भीड़ में ही पिस्टल निकाल लिया। इसके बाद मंटू सिंह के बॉडीगार्ड और उनके समर्थकों ने संदिग्ध युवक को दबोच लिया। बंदूक मिला और गोली था, छुरी था, लूट था के बिना लूट। और वहाँ आ रहे हैं विधायक जी, वहाँ आ रहे हैं, हम खड़ा रहे। ओकर बाद में हमारा के विधायक जी के आदमी पास चेक कर के हमारा डांड में से बंदूक निकलल, छुरी निकलल। बाबा थाना भेज दो काहे लाइ रहा विधायक जी लगे गोली बंदूक लेके पूरा। हम सर आ रहे हैं, हमने के उन्हें रास्ता में लूटपाट करे ले, मोटरसाइकिल उटसाइकिल छीन ले। ये यहाँ के रोगवानी सर लड्डू खा लें, लड्डू खा के पानी उनी पी के वजह बैठा रहे। आरोपी युवक पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस आरोपी युवक की जांच करती है। युवक के पास से दो जिंदा कारतूस और चाकू भी बरामद किया जाता है। मामला गंभीर हो जाता है। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है। माननीय विधायक मंटू जी के कार्यालय का उद्घाटन था, उसी क्रम में उद्घाटन करने के उपरांत वो अन्य मतदाताओं से मिल रहे थे। तीन चार लड़कों की गतिविधियाँ सही नहीं पाई गई, जिसके उनके बॉडीगार्ड को शक हुआ। बॉडीगार्ड ने लड़के को पकड़ा तो उसके पास से पिस्टल बरामद हुआ, उसको गिरफ्त में ले लिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। सर, नक्सली कनेक्शन भी है क्या इन लोगों का, ये बताइए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रथम दृष्टया आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से जुटने की बात बताई जा रही है। इस पूरे मामले में विधायक मंटू सिंह का कहना है कि ये विरोधियों की साजिश हो सकती है, डराने के लिए की गई हरकत लगती है। चुनाव के दिनों में ऐसी घटना का होना सवाल तो खड़े करता ही है। तो पूरा आत्मविश्वास के साथ, हिम्मत के साथ अपने जनता के बीच में। क्या घटना हुई थी सर? हम लोग कार्यालय का उद्घाटन था, मकेर प्रखंड कार्यालय का महागठबंधन के। वहाँ से उद्घाटन के बाद हम लोग मार्केट में घूम रहे थे, लोग से जनसंपर्क कर रहे थे। तब तक पीछे से एक आदमी आया, अपना हथियार निकाला, उसके जो पीछे लोग थे वो देखे, वो जो बॉडीगार्ड लोग थे उसको पकड़ लिए, उनको प्रशासन के हवाले कर लिया गया। और तीन चार लोग वहाँ से थे, जैसे बताया था कि फरार हुए, उनका नाम वो बताया है, वो लोग भी शायद रात में पकड़े गए हैं। बाकी लोग भी खोजबीन हो रही है, और वो लोग ही बताएंगे कि वो लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए थे या किसी नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे या किसी के द्वारा जान मारने के लिए भेजे गए थे। आपको उसके बारे में कोई आशंका नहीं ना? हमको किसी पर कोई आशंका नहीं है। हम प्रशासन जो खोजेगा उसमें जो सच्चाई होगा उसको निकालेगा, हमको पूरा प्रशासन में भरोसा है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन भीड़ के बीच में लोडेड पिस्टल के साथ युवक की गिरफ्तारी गंभीर मामला है। चुनाव के दरमियान अपराधी ऐसी घटनाओं की ताक में रहते हैं, लिहाजा पुलिस को सतर्क रहना होगा ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है।